ये एग्जिट। तो एक लड़का था टॉपर टाइप, शांत, शालीन, चुप रहने वाला, पढ़ाई करने वाला, ठीक है। तो अब जैसे वो टॉपर है अगर, तो हमारे मन में तो हो ही गया ना यार, इससे पूछते ये कैसे पढ़ता होगा, इसके तो नंबर आते हैं, अपने कहां गड़बड़ कर रहे हैं, इससे पूछते एक बार। तो मैंने क्या किया, मतलब हमने बोल दो या कलेक्टिवली सबने, उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि मैं यार तू क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, कि कब तू उठता है, कब सोता है, क्या तेरा रूटीन है, किस तरीके से तू पढ़ाई कर रहा है, ये समझा। तो उसने बोला अपना बता दिया पूरा कि मैं सुबह उठता हूँ इतने बजे, मैं कोशिश करता हूँ इतना पढ़ लूँ क्लास में जाने से पहले, और उसके बाद में फिर आने के बाद में मैं इतना पढ़ता हूँ। पूरा उसने अपना शेड्यूल हमारे साथ डिस्कस कर लिया सारा, उसने एकदम, बोलते ना हमने भी वो भैया पूरी सुन ली और रूम पे आकर लिख लिया एकदम सफेद पेज पर, ऊपर टाइम टेबल बड़ा बड़ा डार्क अक्षरों में, थोड़ा उसमें स्टाइल डालकर, और नीचे लाइन लगाकर, दो तीन लाइनें लगाकर कि इतने बजे उठना, और ये एकदम तैयार कर लिया बढ़िया, ठीक है। हाँ, अब जब हम ऐसी कोई चीज तैयार करते हैं तो इट इज वेरी वेल एविडेंट कि वो ज्यादा दिन चलती नहीं है, ज्यादा दिन छोड़ो सर, वो 5-10 मिनट या 1 घंटे बाद में ही खराब हो जाती है, ठीक है। तो वापिस से यार मैंने कहा ये तो टाइम टेबल फिर गड़बड़ हो जा रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में। तो टाइम टेबल जो है वो फिर से क्या हो जा रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है, ध्यान सुनना, ठीक है, हाँ ना। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार इस समस्या का इलाज इससे पूछते कि ये क्या करता होगा, ऑल्दो वो बड़ा ही मतलब पढ़ने वाला ही लड़का था, और किसी एक्टिविटी में कभी हमने उसको फालतू घूमते फिरते नहीं देखा, क्लास जाना आना। तो मैंने कहा यार वैसे तो शायद ये टाइम टेबल फॉलो ही करता होगा, इससे क्या पूछना, बट फिर भी इससे ये वाली बात पूछते हैं। तो हमने जाके उससे पूछा, या मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये एक बात बता कि जब ये टाइम टेबल फॉलो ना हो तब क्या करना है वो बता। फिर उसने जो जवाब दिया, दैट आंसर इज वेरी 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 मोटिवेटिंग। बोले कि ऐसा तो होता ही है, उसकी स्टेटमेंट सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। हाँ, अभी भी याद है, उसका नाम नकुल था। हाँ, तो नकुल ने बोला कि एक बात मैं आपको बोलता हूं कि ये जो टाइम टेबल हम बनाते हैं ये फॉलो नहीं होता है। हाँ, बोले मेरे से भी नहीं होता है। हाँ, हमने टाइम टेबल में लिखा कि आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, हो सकता है हम 6 घंटे ही पढ़ें, 6 घंटे का टाइम मिला, बाकी 4 घंटे जो कहीं और ऑक्यूपाई हो गए, 7 मिले 3 ऑक्यूपाई हो गए। बोले ऐसा मेरे साथ भी होता है, समझ में, कि जरूरी नहीं कि जो टाइम टेबल हमने लिख दिया वो पत्थर की लकीर है और वो फॉलो होगा ही होगा, नहीं वो नहीं फॉलो होता। फिर मैंने कहा तू क्या करता है, बोले मैं उस टाइम टेबल को अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, समझ में, टाइम टेबल को अप्रोच, कि एक स्टैंडर्ड चीज हमने फिक्स कर ली, इसकी तरफ जाने की कोशिश करो। आप सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर ही पहुंच जाएंगे और हमेशा यहीं खड़े रहेंगे, नहीं, एक स्टैंडर्ड लाइन खींचो, इसको बोलते हैं हम आइडियल प्रोसेस या फिर आइडियल लाइन, कि दिन में 8 घंटे पढ़ना है, ठीक है, हाँ, नोट्स बनाने हैं, लेक्चर रिवाइज करना है, ये सब चीजें करनी है, हमने लिख लिया, इतने बजे उठना है, फिर घूमने जाना है, 10 मिनट की वॉक। अब जब आपने ये लिख ली तो आपका जो बैरियर है वो ऊपर सेट हो गया। अब आपसे क्या होगा, अगर बीच में आपने कहीं पर वो गड़बड़ की, अंदर एक गिल्ट इकट्ठा हो गया, कॉन्फिडेंस और कम हो गया। तो ऐसा नहीं है कि जिसने टाइम टेबल बना लिया वो सारे फॉलो कर रहे हैं, कोई नहीं फॉलो करता है। तो सर बाकी लोग क्या करते हैं, इस आइडियल लाइन या फिर जो भी तुम्हारी आइडियल प्रोसेस है इसके नजदीक रहने की कोशिश करो। 10 घंटे लिखे हैं तो 8 घंटे को स्ट्राइक करो, 7 को करो, बट करो, समझ में। आपको लगे कि आप इस लाइन से दूर जा रहे हैं तो वापस अपने आप को इसकी तरफ लेके जाएं और फिर इसके नजदीक नजदीक मूव करने की कोशिश करें। थोड़े बहुत अप्स डाउन चलेंगे बट इसके नजदीक जाने की कोशिश करना, जितनी दूर जाओगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, वापस मुड़ने में बहुत टाइम लगता है। और आप सोच रहे हो कि आप हमेशा इस पे ही चल लोगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। वाह, तो वो सीन चल रहा था उस दिन, बहुत सारे लड़के पहुंचे हुए थे। अब उसमें क्या, ये मेरे वाला जो ग्रुप था ना ये भी पहुंचा हुआ था।